अब आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में करेंगे, उसको मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर डेट्स ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देखते हैं। परचेज प्राइस में आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जितने में हमें मशीन को खरीदा वो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा, उस मशीन को फैक्ट्री तक लेके आने के लिए जो खर्चा हुआ है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, उस मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी पैसा लगा उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। और फिर उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए जो भी पैसा लगा है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस रिगार्डिंग मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज़। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर होता है परचेज कॉस्ट। तो जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो हमें उसको परचेज कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्लांट खरीदा 50 लाख का, ठीक है, अब उसमें 10 हज़ार हो गए ट्रांसपोर्टिंग के, 15 हज़ार हो गए रिपेयर्स के, 25 हज़ार हो गए इंस्टॉलेशन के। तो अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारूं तो मेरी परचेज प्राइस क्या होगी? 50 लाख प्लस 10 हज़ार प्लस 15 हज़ार प्लस 25 हज़ार, 50 लाख 50 हज़ार, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इजिली वेरीफाइबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिकॉर्ड करने का एक ये भी फायदा होता है कि आप जो है इन फ्यूचर अगर देखना चाहो कि क्या वो एंट्री सही है कि नहीं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट से, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हो कि जितने में मैंने परचेज किया था उतने की ही एंट्री हुई है या नहीं हुई है। कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेंस है, कुछ भी चीज़ है, अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एंट्री होती है तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन भी होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का कि वो ट्रू वैल्यू नहीं दिखाता, ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस नहीं बताता है, क्योंकि उसमें हिडन प्रॉफिट्स भी रहते हैं। जो भी आपके प्रॉफिट हुए आपके एसेट में, वो सारे प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर आपको नहीं दिखते। तो ये हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको आप 1 मिनट पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि सीखते रहिए, क्योंकि मेरे किसी सर ने कहा था, सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।